सोनी लिंकबड्स एस की कीमत है 13,990, थोड़े एक्सपेंसिव है। एंड डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी रगेड फिनिश है। ट्रेडिशनल ईयरबड सो नथिंग न्यू इन द डिज़ाइन, लाइट वेट और कंफर्टेबल है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन इट्स नथिंग एक्सेप्शनल और आउट ऑफ द बॉक्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिज़ाइन। और अगर फाइनली डिज़ाइन का वर्डिक्ट आपको दे तो ओवरऑल इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी इजी टू कैरी और साथ ही साथ रगेड है, मैट फिनिश नहीं है तो ये आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा, बहुत ही लाइट वेट है। द ईयरबड्स आर ऑल्सो वेरी लाइट वेट, दे हैव गुड ग्रिप। और खास बात यह है कि जो ईयर टिप्स दिए गए हैं आपके कान के साइज के हिसाब से हैं, वो जब आप फिट बिठाते हैं एकदम ग्रिप अच्छी आती है। सो येस, गुड डिज़ाइन एंड कम्फर्ट हियर इन दिस वन। Well, also to tell you, IPX4 rated है ये। And one thing that's a downer here कि इतने महंगे होने के बावजूद there is no wireless charging here. The case, like you see, is very pocketable, very friendly to actually carry along. चार्जिंग LED दी गई है सामने, तो चार्ज होना होता है तो लाल रंग की LED होती है और चार्ज हो गया है तो ग्रीन। चार्जिंग पोर्ट इज टाइप सी। द प्लेबैक टाइम इज 6 hours एंड ईयरबड्स गिव यू इन ऑल 14 hours of play. Now talking about the performance of the Sony LinkBuds S, well, overall performance is very very impressive and the sound quality is very crisp. हालांकि जो लोग बेस ज़्यादा पसंद करते हैं जैसा कि मैं, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं हो सकती बिकॉज इट्स गॉट अ वेरी प्लेजेंट साउंड क्वालिटी। बेस हमें उतना नहीं मिला जितना ज़रूरत है, तो इसीलिए कहा गया कि जिनको बेस पसंद है वो इससे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। I like bass, but yes, not that great in terms of bass for me. And having said that, ANC तो इसमें है ही, अच्छा noise cancellation दिया गया, it's an added feature. लेकिन वही अब जितने भी TWS आप आ रहे हैं उसमें ANC तो is like a default feature. So that's actually not a criteria to even judge the TWS nowadays. But overall, noise cancellation was good. The sound quality when I spoke over the phone was also very clear. हेडफोन्स कनेक्शन ऐप इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज। UI जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी है। कनेक्टिविटी वॉज वेरी ईजी। एक कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द बड्स द ऐप टेल्स यू। So Sony LinkBuds S खरीदने चाहिए या नहीं? Well, it's a mid-segment TWS. 13,990 रुपीस की कीमत है, which is a lot considering the TWS market is now flooded. Competition बहुत ज़्यादा है, लेकिन overall क्योंकि ये Sony है तो इसलिए महंगे हैं। The cost should ideally come down. 8,000 तक भी होते तो ये अच्छी डील हो पाती, ज़्यादा हॉट सेलिंग होते। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कीमत की वजह से शायद इनका सेलिंग पॉइंट कम हो जाए, लेकिन Having said that, it's a Sony brand. Obviously, the quality is very good. It's a mid-segment TWS, not the budget ones. And overall quality of the TWS in terms of design, the performance, and the other things, it's quite good. ना कॉम्पिटिटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इससे कम कीमत में भी है, ज़्यादा में भी है, सेम में भी है, लेकिन इन हाउस कॉम्पिटिटर ही है इसका सोनी का ही, विच इज़ स्टिल माई फेवरेट एंड दैट इज़ सोनी WF-1000XM4. वो इसको बीट करता है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है लेकिन वो फिर भी अच्छा है। एंड आई वुड से दैट अगर वो नहीं आप ले पा रहे हैं तो दिस कुड बी अ सेकंड ऑप्शन, बट दैट स्टिल द हॉट फेवरेट। बट ओवरऑल द रिव्यू ऑफ द सोनी LinkBuds S is that it's decent. Price is little more, but it's Sony, so that can be considered. Also, the performance-wise, pretty nice. Design, very good, very lightweight. The USP is of course the lightweight and the comfort. So I told you everything about it. उसके बाद अब आप डिसाइड करिए कि आपको ये खरीदना है या नहीं।